सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सबके जीवन का एक बहुत ही पावन पर्व है, पावन अवसर है। आज गुरु पूर्णिमा है और हम सभी संगीत के विद्यार्थियों और साधकों के लिए इस शुभ दिवस की बहुत महिमा है। तो मैं आप सभी को इस पावन पर्व की, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का ये सत्र मैं अपने गुरुओं पंडित सतीश चंद्र जी, पंडित उमा शंकर मिश्र जी और पंडित विश्वमोहन भट्ट जी को स्मरण करते हुए मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनकी चरण वंदना करती हूँ। साथ ही मैं प्रणाम करती हूँ उन सभी गुणी जनों को, उन सभी गुरु जनों को, उन सारी महान विभूतियों को जो संगीत क्षेत्र में समय समय पर अपनी कला के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से मुझे प्रेरित करती रही हैं। और इस जीवन में भी वो सारी महान विभूतियां जिनसे मुझे मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त हुई है, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज इस सत्र में पधारे सभी गुणी जनों को और सुखी जनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। सितार में हो रही इस 9 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज, जो कि वाद्य विभाग मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित की जा रही है, हम बहुत ही गौरवान्वित हैं और बहुत प्रसन्न है कि हमारे बीच प्रोफेसर साब्यसाची सारखेल उपस्थित हैं। आज हमारे अतिथि वक्ता वही हैं और उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। इस 9 दिवसीय लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज में हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे वक्ताओं को सुना, बहुत ही अच्छे संगीतज्ञों को सुना और इस ज्ञान की धारा में हम लोग सभी ने डुबकियां लगाई हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सुनने को, समझने को मिला है और ये व्याख्यानमाला अब आगे बढ़ते हुए आज प्रोफेसर साब्यसाची सरखेल जी को अपने साथ पाकर हम सब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर संगीता सिंह मैडम को प्रणाम करते हुए आमंत्रित करती हूँ। मैडम कृपया आप आए और औपचारिक स्वागत उद्बोधन दें और हमारे आज के अतिथि वक्ता के लिए सम्मान पत्र का वाचन करें। धन्यवाद सुप्रिया जी, आवाज जा रही है मेरी आप साथ साथ? हेलो जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। आज के इस पावन अवसर पे मैं गुरुजनों के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी गुरुजनों को मैं आज गुरु पूर्णिमा दिवस पर सादर प्रणाम करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ सभी विद्वज्जन का। आज ऐसा पावन दिवस है, मेरा दिल कर रहा है आज के इस पावन दिवस पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ, क्योंकि उनका ही जो कृपा है हम लोगों की, जो आज हम खड़े हैं इस धरती पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनका बहुत बड़ा सब योगदान रहा है। तो मैं उनको आज के इस दिवस पर नमन करती हूँ और हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित लालमणि मिश्र जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। विदुषी प्रेमलता बहन जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित बलवंत राय जी भट्ट जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ।
पंडित केसी गंगराने जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित राजभान जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित राम जी चक्रवर्ती जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित गोपाल मिश्र जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित आरपी शास्त्री जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित वीके रमन वेंकट रमन रामानुजन जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। सी एल श्रीवास्तव जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। इन सभी गुरुजनों का जो योगदान है, जो उन्होंने जो करके इस दुनिया शरीर नहीं रहा, जो योगदान दे के गए हैं, आज जो विस्तार हो रहा है, इनकी ही प्रेरणा है। हम इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इनको हम तत्सत नमन करते हैं। और हमारे आज पुष्पा मैम को भी मैं श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ। मैम मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ। मैं अपने राजेश सर को भी चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ, क्योंकि इन सब का हम लोग साथ में रह के जो भी आप काम करते हैं या वादन करते हैं या जो दिनचर्या में जो भी वर्क करते हैं, हम कहीं ना कहीं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसके लिए मैं सत प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी को मैं आज के दिन पे बहुत उनको याद कर रही हूँ, क्योंकि आपका जो हमेशा जो संकल्पनाएं चलती हैं और मेरे से आप बात करके अपनी संकल्पनाओं को बोलते हैं और जो मूर्तमान होता है, उसमें प्रोफेसर राजेश सर जी का बहुत योगदान है। संयोजन जो हमारी सुप्रिया जी ने किया है, और इन सब का जो मुझे ईश्वर द्वारा, जब मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, तो मैं उस परमात्मा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों का प्यार और जो सम्मान करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होती हूँ अंदर से। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ और अभी भी हूँ। मैं इस अवसर पर प्रोफेसर अपने गुरु जी शाहिद कुमार नाहर जी को श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रोफेसर स्वतंत्र बाला मैडम जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, वो मेरी गाइड थी। प्रोफेसर रश्मि दीक्षित मैडम के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और एक और नाम मैं बताना चाहूंगी जिनको मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ, मेरी गुरु रही हैं, श्रीमती सरोज नारायण। आज उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन वो मेरे हृदय में वास करती हैं। मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि एक गुरु का हृदय क्या होता है। और वो पंडित मौलांकर जी की शिष्या थी और वो बहुत अच्छी हृदय की थी। मैं उनसे घर पे जाके सीखती थी। और उन्होंने मुझे एक सितार, जब उनसे बज नहीं पाता था तो नस्कर का सितार जो बहुत कॉस्टली, वो रेडियो से बजाती थी उसी सितार पर। और ओनली एक केवल उनके पास सितार था। और जब वो सितार उनके हाथों से बज नहीं रहा था तो हमसे बोली कि संगीता ऐसा करो तुम ये सितार ले जाओ। मैंने कहा नहीं मैडम, मेरे पास दो दो सितार है, मुझे जरूरत नहीं है, आप बजाइए। उन्होंने कहा मैं इसको धूल में देखना नहीं चाहती, इसका धूल लगा हुआ, क्योंकि मैं बजाती नहीं हूँ। और वो इतना कॉस्टली सितार, और वो जब मुझे वो जब सितार दे रही थी, मैं आपको भाव बता रही हूँ, जैसे कोई अपने बच्चे को नहीं दे रहा, ऐसा मुझे फील हुआ कि वो अपने कोई कलेजे के टुकड़े को वो मेरे को दे रहा है। उस समय उनकी आंखों में मैंने जो मतलब नम देखा, तो जैसे मुझे ये फील हो रहा था कि वो अपने बच्चे को दे रही है। और आज भी मेरे पास सितार है और मैं उसको बड़ा श्रद्धा करती हूँ। वो सितार नहीं, वो साक्षात वो विराजमान है जैसे। और मैं एक चीज और बताऊंगी, मैं इस मंच से रस्तोगी जी को बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्योतिन गुरु जी के पास ले गए और उनकी कृपा से मुझे ज्योतिन गुरु जी ने अपनाया और मुझे जो भी उनसे कुछ प्राप्त हुआ वो तो हुआ ही है, मैं कर भी रही हूँ। लेकिन एक गुरु का जो प्रेम होता है अपने छात्र के प्रति, अपने शिष्य के प्रति, मैं बताना चाहूंगी कि जो गुरु जब भी कोई उनसे सीखता था तो हर गुरु पूर्णिमा को प्रसादी रूप में कुछ ना कुछ देते थे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि मुझे दो बार के प्रसादी में वो बोले कि जब मैं सरोद शुरू किया था तो मैं मैसूर से माँ सरस्वती की प्रतिमा लाया था और वो ओरिजिनल चंदन का है, और उन्होंने गुरु पूर्णिमा को बड़े प्यार से मुझे दिया। मैं ये दिखाना चाहूंगी, ये देख आप देखिए स्क्रीन पे, ये मैं आप लोगों को ये
जिस रूम में मैं रख देती हूँ पूरा रूम पूरा खुशबू चंदन से भर जाता है। तो ये गुरु की ये कृपा देखिए। और ये दिखाना चाहूंगी, दूसरे गुरु पूर्णिमा में ये सिल्वर का बनवाए थे किसी से, सिल्वर का है ये, उन्होंने मुझे कनेठी ये दिया। तो ये उन गुरुओं को मैं बहुत मेरे पास शब्द कम है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ ऐसे महान गुरुओं को। और मैं चाहूंगी कि मेरे प्रोफेसर साहित्य कुमार जी नाहर सर को मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पे एक बार लाया जाए, ताकि हमारी सरोज मैडम को वो दो शब्द मैं चाहूंगी कि वो बोले उनके बारे में, क्योंकि बहुत ये सब बहुत कुछ टीचर या हमारे गुरुजन आगे नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने पीछे से बहुत योगदान दिया। तो मैं निवेदन करती हूँ एक बार हमारे प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर जी को स्क्रीन पे लाया जाए, ताकि वो कुछ दो शब्द बोल सके। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, थोड़ी धीमी है पर आ रही है सर। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? जी जी सर। ओके थैंक यू। सुप्रभातम, नमस्कार। आज पावन पुनीत गुरु पूर्णिमा पर्व पर सभी संगीत के गुणीजनों, संगीत सेवियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं बहुत कम समय लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सत्र का आरंभ होना है। जब मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया, तो पहले ही दिन मुझे एक इतनी सुंदर, मनमोहक और एक सौजन्यता से, सौम्यता से भरा चेहरा युक्त हमारी सितार की वरिष्ठ, हमारी सहयोगी उस समय श्रीमती सरोज नारायण जी से साक्षात्कार हुआ। उम्र में वो मुझसे बहुत बड़ी थी, मेरे ख्याल से 22-24 साल उम्र बड़ी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद वो मेरी बड़ी बहन या माँ की उम्र की रही होंगी। और जब मैंने अपना कार्य शुरू किया, तो हम दोनों लोग सितार में, उनका जो स्नेह, मैं तो वात्सल्य भी कह सकता हूँ, उनके चलने में, उनके बातचीत करने में, उनके सिखाने में, वो सारे, वो बहुत ही बड़े संस्कारित परिवार से जुड़ी थी। उनके पति माननीय श्री ध्रुव नारायण जी बहुत अच्छे नामी वकील थे। उनके सुपुत्र माननीय न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जी हाईकोर्ट में हैं। यानी पूरा परिवार, उनके जेठ श्री प्रहलाद नारायण जी, पूरा परिवार संगीतमय था। तो उनके साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला कई वर्ष तक। और वो जो मुझे इतने प्यार से, इतने साथ रख के, स्नेह से जो मुझे वो साथ में, हम लोग मिलजुल के सितार के लिए काम करते थे। उस समय पंडित रामाश्रय झा जी विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे। आदरणीय श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी उस समय विभाग में थे। श्रीमती डॉक्टर गीता बनर्जी मैम थी उस समय विभाग में। तो मैं श्रीमती सरोज नारायण मैम को भूल नहीं पाता हूँ। रिसेंटली अभी 4-6 महीने पहले ही वो इस भूलोक से देवलोक को प्रस्थान उन्होंने किया है। मुझे उन्हें याद करके आज भी मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। और प्रोफेसर संगीता जी भी उनकी शिष्या रही हैं, हम लोग क्लास में करते थे। उन्होंने उनके बारे में दो शब्द मुझे कहने का मौका दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, और सभी गुरुजनों के चरण में सादर वंदन नमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर सुप्रिया जी से निवेदन करता हूं कि वो इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी मैडम जी जी, आपको मैं अब वाद्य विभाग से मैं सर का सम्मान पत्र पढ़ना चाहूंगी। प्रोफेसर सभ्य शास्त्री सर को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं ये सम्मान पत्र वाचन करती हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा आयोजित सितार में हो रही व्याख्यान माला में प्रोफेसर सब्यसाक्षी सरखेल जी के उत्कृष्ट ज्ञान एवं वक्तव्य से संगीत के जिज्ञासुओं को आप सिंचित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है। वह आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। सर, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी को नमन वंदन, और मैं सुप्रिया जी को ये मंच सौंप रही हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, और पंडित साहित्य नाहर जी आपको भी बहुत धन्यवाद।
अब मैं हमारे संकाय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजेश शाह जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। सभी को सादर प्रणाम। आज बहुत शुभ दिन है, खास करके कला क्षेत्र के लिए गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि सभी विषय बिना गुरु के ज्ञान के तो होते नहीं हैं, परंतु कला क्षेत्र में प्राचीन काल से ही ये गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, और आज भी विद्यमान है। दूसरे विषयों में इसका कम वो मिलता है उदाहरण, लेकिन संगीत के क्षेत्र में, ज्योतिषी के क्षेत्र में, कला के और अन्य कलाओं के क्षेत्र में ये गुरु शिष्य परंपरा आज भी विद्यमान है। मैं सभी विद्यमान हमारे आज के गुरुजनों को बहुत ही प्रणाम करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। आज गुरु पर्व है। सर्वप्रथम मनुष्य जब जन्म लेता है तो माता और पिता उसके प्रथम गुरु होते हैं, उसको संस्कारित करने में उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। परंतु जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो हमें विशेष क्षेत्र के लिए विशेष गुरुजनों की आवश्यकता होती है। तो मैं अपने प्रथम गुरु संगीत क्षेत्र के पंडित गोविंद राव जी नायक, उसके बाद मैंने पंडित अमरनाथ जी मिश्र, और अंतिम में मैंने पंडित रामदास जी चक्रवर्ती, BHU में प्रोफेसर और हेड के रूप में वो थे। अब मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे इन तीनों गुरुओं का आज सानिध्य नहीं प्राप्त है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी गुरुओं से हमने शिक्षा ग्रहण की, उसमें से बहुत से अभी भी विद्यमान हैं। प्रोफेसर पुष्पा बसु जी जैसे क्लास में हम लोग उनसे हमेशा अनुशासन में कैसे रह के सीखना, ये उनसे हम लोगों ने सीखा। एक एक मिजराब के बोलों का सही ढंग से प्रयोग करना, ये उनसे हम लोगों ने सीखा, क्योंकि वो इसके प्रति बहुत ही दृढ़ संकल्पित थी कि जो बंदिश बनी है, जो मिजराब के बोल निर्धारित हैं, वो बजाए जाए। वो आज हमको बहुत स्मरण आता है, वो क्लास, वो कक्षा, मैं सादर सामने बैठी हैं प्रोफेसर पुष्पा बसु जी मैडम, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब प्रत्यक्ष रूप से जितने भी गुरुजनों से हमने सीखा, वो सभी को मैं हार्दिक बहुत ही नमन करता हूँ। और आज का ये गुरु पर्व ऐसा आ गया है कि इसमें हम लोगों को कुछ बोलना पड़ता है विशेष, और ऐसे शुभ दिन में आज हमारे मुख्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर सब्यसाची सरखेल जी हमारे बीच में हैं। आप विश्व भारती में संगीत संकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं, और समय समय पर अभी आपको सुप्रिया जी पूरा उनका परिचय देंगी, मैं कुछ विशेष बातें बता देता हूँ। समय समय पर आप NAC टीम के मेंबर के रूप में हमेशा साल में, वर्ष में 2-3 बार तो कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय में आपका भ्रमण होता रहता है। ये मैं संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। मैं दादा कहता हूँ, उनका नाम लेता ही नहीं हूँ मैं, सीधे जब भी फोन करता हूँ तो दादा कैसे हैं, और मेरे बड़े भाई के समान हैं। मुझे जब भी आवश्यकता होती है तो सरखेल जी से मैं तुरंत, दादा ये परेशानी है, NAC ने ऐसे पूछ लिया है, ऐसे पेपर सेटिंग हो रही है, ये नया कोर्स कैसे हो रहा है, ये उनसे मैं समझता रहता हूँ। इसी प्रकार कल भी जिनका है प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय जी, वो उनको मैं बिना झिझक फोन कर देता हूँ कि ये पेपर कैसे पब्लिश किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में, आप दोनों से मैं पूछता ही रहता हूँ। और दादा आप हमारे सामने हैं, आप भी प्रणाम स्वीकार करें, आज का शुभ दिन है, और आशीर्वाद दें, आप हम लोग के वरिष्ठ आचार्य हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज हम लोग का 7वां दिन है और 7 स्वर शुद्ध पूरे होने वाले हैं। आगे और जितने स्वर बचे हैं वो हम लोग कल परसों और भी दिन सुन सकते हैं।
मैं आज के इस पर्व पर सभी को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और डॉक्टर सुप्रिया शाह जी और हमारी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर संगीता सिंह जी बधाई के पात्र हैं कि रोज हमें ऐसे ऐसे गुरुजनों से हम लोग को साक्षात्कार करवा रही हैं जिनसे हम लोग कुछ सुख सीख सकते हैं और हमारे विद्यार्थी भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको पुनः पुनः सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह हम लोग का उत्साहवर्धन करते रहें। एक सूचना मैं देना चाहता था संकाय प्रमुख के नाते, कल से हम लोग का वायलिन की व्याख्यानमाला शुरू हो रही है और उसका समय वही 1:15 से रखा गया है और इसके पश्चात 8, 9, 10 तारीख को बांसुरी की व्याख्यानमाला 3 दिन के लिए रखी गई है। पंडित नित्यानंदी हल्दीपुर, पंडित राजन प्रसन्ना जी और पंडित प्रवीण बरखंडी जी, ये आप 3 हमारे मुख्य अतिथि वक्ता होंगे। कोशिश यही है कि कोई भी विषय जो संकाय में चलता हो वो ना छूटे, हमसे अलग ना हो वो। और गायन की भी व्याख्यानमाला 3 दिन की हो रही है, 8, 9, 10 सुबह करीब 10:30 अभी निर्धारित नहीं हुई है। मैं 3 व्याख्यानमाला में आप लोगों का फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। आप पुनः जुड़ें और अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो देते रहें, हम इसी प्रकार संगीत की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कलाकार अतिथि वक्ता प्रोफेसर साब्यसाची सारखेल जी को। प्रोफेसर साब्यसाची सारखेल जी एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हैं, एकेडमिशियन हैं, स्कॉलर हैं और साथ ही बहुत ही विनम्र स्वभाव है इनका। और उनसे जब भी मेरी बात हुई है, जब भी मैं उनसे मिली हूँ, मुझे उनकी इस विनम्रता ने बहुत प्रभावित किया है। बहुत मृदुभाषी हैं सर, उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी बहुत ही प्रभावशाली है और हम सबको सीखना चाहिए उनसे। उनकी ये सिंप्लिसिटी हम सबको ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं और अन्य देशों से भी हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके लिए मैं प्रोफेसर साब्यसाची सारखेल जी का परिचय आप सबके सामने अब पढ़ने जा रही हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर साब्यसाची सारखेल इज अ नोटेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमदाद खानी घराना ऑफ सितार, an eminent academician and an aspiring sensation in the field of classical music, best known for his traditional and unique style of meditative alap and melodious presentations of ragas. His experienced and thoughtful approach towards different aspects of music has established him as an upstanding teacher as well. Professor Sarkhel is a person of note who is actively associated with a large number of educational platforms for Indian music in India as well as abroad. He was born in 1960 in a Bengali family where music was an area of interest for the members. His father, late Shanti Ranjan Sarkhel, was a great supporter of Professor Sarkhel in his journey as a musician. He is one of the foremost disciples of sitar maestro Pandit Dhruv Tara Joshi and Pandit Suresh Mishra, who has vouchsafed him the legacy of Imdad Khani style. Professor Sarkhel zealously preserved his traditional and authentic patrimony, and that clearly reflects from his strings and strokes. Professor Sabyasachi Sarkhel was always admired for his meritorious service towards his academic studies. He has a bachelor's degree in zoology from the University of Burdwan. He has finished his master's in instrumental music sitar from Rabindra Bharati University with first class position and 2 gold medals, which were bestowed on him for his meritorious achievements. Professor Sarkhel received a
PhD degree under the supervision of Professor Shishir Kanadhar Roy Chaudhary from the same university. He started his professional career as a teacher at Narendrapur Ramkrishna Mission. Then he joined the Department of Hindustani Classical Music, Sangeet Bhavan, Vishwa Bharati in 1994. He is presently the senior most professor and the head of the department here. Professor Sabyasachi Sarkhel has proved his ambidexterity in real life through his name and his passion. He has been honored by many awards like the Surmani Award and the Lok Bharati Samman. He's an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan and has performed as well as delivered lectures in numerous prestigious platforms in India and abroad. Bhavanipur Sangeet Sammelan, Rajya Sangeet Academy, Sangeet Research Academy, Haridas Sammelan, Ramkrishna Mission Institute of Culture, Banaras Hindu University, Indian Embassy of Tokyo, Mahatma Gandhi Institute of Mauritius, Indian Festival of South Korea are some of the prestigious venues and festivals where Professor Sabyasachi has performed and received a lot of appreciation for his music from all connoisseurs as well as audiences. Professor Sarkhel has published numerous scholarly articles and research papers in a number of important journals and magazines. He published a book titled Sitarir Bibartane Jaipur Senyao Imdad Khani Gharana, filled with valuable information and documents. Audio CDs of Professor Sarkhel like Shradhanjali, Eshochiro Sundaro from South Korea, and so on, have remained charming, melodious experiences to the listeners. I heartily welcome Professor Sabyasachi Sarkhel to the session, today's session of the lecture demonstration in the ongoing series. I'm very happy, sir. I welcome you. Aur ab main aapko manch saunpti hoon, par uske pehle sabhi participants ke liye मैं फोन नंबर फिर से अनाउंस कर रही हूँ जिस पे आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा. फोन नंबर है 9519127535. मैं दोबारा बताती हूँ 9519127535. इस नंबर पर आपके प्रश्न यदि हमारे पास आएंगे तो मैं निश्चित ही हमारे आज के वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सार्केल जी से आपके प्रश्न उनके सम्मुख रख के उनसे हम थोड़ा और ज्ञान लेंगे. और इसी के साथ और समय ना लेते हुए अब मैं ये मंच प्रोफेसर सार्खेल जी को सौंपती हूँ. स्वागत है सर. क्या मेरा आवाज आ रहा है? जी सर जी. नमस्कार 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 सर. आज बहुत शुभ तिथि है, बहुत शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा की दिन. ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि इस दिन मैं जो कुछ बताऊंगा, जो कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे गुरुजी से, वो उनकी चरण में समर्पण करने के एक मौका मिला मुझे. और ये मौका जो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीएचयू के जो आप लोग जो ऑर्गेनाइजर्स है वो हमको दिया है, इसलिए मैं आप सबको आभारी हूँ. मैं मेरा जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ वो पंडित ध्रुवतारा जोशी जी, जो
उस्ताद इनायत खान साहब का शिष्य थे सितार में, और ख्याल में उस्ताद फैयाज खान साहब के शिष्य थे, और मेरे दूसरे गुरु पंडित सुरेश मिश्र जी, जिन्होंने पंडित ध्रुवतारा जोशी जी ने जी से सीखे हैं और उस्ताद विलायत खान साहब के से सीखे हैं। उन लोगों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे जो है जो जितने गुरुजनों हैं, जैसे प्रोफेसर पुष्पा बोसु जी, उन्होंने मेरा पीएचडी थीसिस जब आया था वो मेरा एग्जामिनर थे, मेरे गुरु समान हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन में हैं, जैसे प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहार, अनुपम प्रोफेसर अनुपम महाजन, ये सब गुरुजन गुणीजन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रेम के और मैं आज नौ दिवसीय जो व्याख्यान माला है वो सातवीं दिन मुझे मिला, और मैं प्रथम दिन से जब प्रतीक भाई ने शुरू किए थे वहां से आज तक सबको मैंने सुना, प्रतीक जी, उसके बाद पंडित एस के नाहार जी, हरविंदर शर्मा जी, संजय वर्मा जी, रविंद्र गोस्वामी जी, और कल अनुपम दीदी ने जितने अच्छे अच्छे ज्ञान को सबको बांटे हैं वो इतना अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं बहुत आभारी हूँ उन सबको जो इस व्याख्यान माला से हम सबको ज्ञान को प्राप्त की। और ये जो टेक्निकल सेशन चल रहा है ये ऑनलाइन में, ये बीएचयू का परफॉर्मिंग आर्ट जो फैकल्टी है, इन लोगों ने जो कोरोना के समय जब सब नेगेटिव देख रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस नेगेटिव जो समय को इतने अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया है कि पूरा देश का जितने कलाकार हैं, जितने बड़े बड़े एकेडमिशियन हैं, सबको इस माध्यम से जुड़ दिया। और ये जो काम है ये शायद करोना के लिए हुआ है, नहीं तो इतने सारे कलाकार को एक साथ मिलने बहुत मुश्किल था। ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों ने दिखाए हैं, और इसलिए मैं सबसे पहले प्रोफेसर राजेश शाह जी को मेरा अभिनंदन करता हूँ, मेरा आभार व्यक्त करता हूँ, प्रोफेसर संगीता सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र, प्रेम किशोर जी, और जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर सुप्रिया शाह, उनके लिए तो कुछ शब्द नहीं है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से सबको एक साथ वो लाए हैं। और मैं और एक फैकल्टी को मैं नाम करना चाहता हूँ जो अंतराल से काम कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं जानता हूँ, वो है डॉक्टर अंजलि शर्मा, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बिना शायद ये काम नहीं हो सकते थे। तो मैं आज जो मेरा टॉपिक है उसमें आ जाऊं, मेरा टॉपिक है सितार, इट्स डिफरेंट घरानास एंड ट्रेडिशनल कंपोजिशंस। वो सितार का ओरिजिन कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जब बहुत छोटे थे
मैं स्कूल में पढ़ रहे थे तब मैं बंगाली मीडियम से पढ़ रहा था, तो वहां पे बांग्ला व्याकरण में सितार का समास मुझे देखा, सितार का समास क्या है, मैं देखा कि तीन तार का समाहार बहुव्रीहि समास। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि सितार में इतने तार हम लोग देखते हैं, क्यों वो तीन तार की समाहार हो गया। मैंने मेरा टीचर जो लोग थे उनसे पूछा लेकिन ठीक उत्तर नहीं मिला। ये जो कहानी है तो बाद में जब मैं म्यूजिक के साथ जुड़ गए हैं तो बाद में ये पता चला, ये जो कहानी है ये इसका इसके पीछे एक कहानी है, ये कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो सितार कैसे आया, सितार का इजाद कैसे हुआ, इस बारे में बहुत सारे ओपिनियन हैं। और सितार आजकल मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो देयर आर सो मेनी ओपिनियंस ऑन द ओरिजिन ऑफ सितार। तो वो क्या क्या है, तो एक मत ऐसे है कि आमिर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ईरान से लाए थे और उसका नाम था सहतार। सह पार्शियन लैंग्वेज में सह मीन्स तीन, और ये तीन तार से धीरे धीरे वो आज के सितार बना। तो इस मत से ये है कि सितार वो आमिर खुसरो ने लाए थे ईरान से। इस जो ओपिनियन है कैप्टन विलर्ड, वीरेंद्र किशोर राय चौधरी एंड कुछ अदर स्कॉलर्स, दे सपोर्ट दिस। जो दूसरा ओपिनियन है, ये दूसरा ओपिनियन है कि जो त्रितंत्री वीणा, जो तीन तार के एक वाद्य थे भारतीय वाद्य, वो धीरे धीरे सितार में डेवलप हुआ। तो इसमें भी बहुत स्कॉलर लोग इनके इसमें इसको सपोर्टर है। तो उसमें दो मत है, एक मत में बोला जाता है कि आमिर खुसरो ने ये त्रितंत्री वीणा को सहतार कहा, और कुछ लोगों का मत है कि सिर्फ आमिर खुसरो नहीं है, वो बहुत आमिर खुसरो से बहुत और स्कॉलर लोग जो सितार का डेवलप किया, बहुत बहुत लोग इनमें काम किए हैं, और धीरे धीरे वो तीन तार वाली सितार जो सहतार थे वो धीरे धीरे सितार बना। कुछ लोगों का मत है ये त्रितंत्र वीणा से यंत्र बोल के एक इंस्ट्रूमेंट हुआ था और यंत्र बाद में सितार के रूप में आ गया। इसमें रेवरेंड पॉपले, एसएम टेगोर, विमल मुखर्जी, पंडित लालमणि मिश्र जी, पंडित देवू चौधरी एंड अदर एक्सपोनेंट्स आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस ओपिनियन। थर्ड ओपिनियन ऐसे है कि ये सप्ततंत्री वीणा जो हमारे पुराने वीणा थे, उस सप्ततंत्री वीणा से सितार आया। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी का कहना है कि महाराष्ट्र में सितार को सतार बोलते हैं। सो दिस वर्ड मस्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सप्ततंत्री टू सितार। तो उनका कहना है कि सप्ततंत्री वीणा से सप्ततार, सतार, सतार और सितार। उमेश जोशी जी ने ये बताया कि समुद्रगुप्त के काल से सितार आया। और ये और एक मत है जिसमें कहा गया है कि खुसरो खान, वो खुसरो खान कौन थे, वो
उनके छोटे भाई खुसरो खान, जिनको लोग उनको वो बहुत सीधे स्वभाव के से थे, बहुत सरल थे, उसको लोग फकीर खुसरो भी बोलते थे, इतने गुणी थे, उसको गुण के कारण अमीर बोलते थे, अमीर खुसरो भी बोलते थे, कुछ लोग उनको फकीर शाह भी बोलते थे। तो ये खुसरो खान ने ये सितार 18th सेंचुरी में वो तीन तार वाली एक यंत्र में, एक इंस्ट्रूमेंट में वो जो बजाते थे, वो धीरे धीरे सितार के रूप में आ गया। संगीत चिंतामणि के लेखक आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी ने इस बारे में बताया कि रंगीले के युग के एक महत्वपूर्ण घटना सितार का आविष्कार है। यद्यपि सितार शब्द ईरानी संगीत के लिए है, तथापि किसी भारतीय राजदरबार में किसी सितार वादक की चर्चा मोहम्मद शाह के युग तक नहीं मिली। सदारंग के छोटे भाई खुसरो खान ने सितार भारतीय संगीत को दिया। उस युग के एक लेखक दरगाह कुली खान ने कहा है कि सदारंग का छोटा भाई तीन तार वाले एक बाजे पर राग रागिनियां प्रस्तुत करता है। इस बाजे में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर तंत्रियों की संख्या में वृद्धि होती रही। नाम साम्य के कारण लोग खुसरो खां को अलाउद्दीन कालीन आमिर खुसरो समझ गए। ये बृहस्पति जी का कहना है, संगीत चिंतामणि में वो इसका उल्लेख किए। और सुदर्शनाचार्य शास्त्री जो जयपुर सेनिया घराने के अमृत सेन के शिष्य थे, he was accepted that खुसरो खान as the inventor of सितार। तो इस जो बहुत सारे मत है उसमें से ये अब अगर ये इसको चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं कि 18th सेंचुरी के पहले कोई सितार का कोई नाम किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। तो अगर अलाउद्दीन कालीन आमिर खुसरो ने सितार का आविष्कार किए थे तो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक वो सितार का उल्लेख कहीं ना कहीं पे भी होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। वो बहुत सारे किताब जैसे मुगल पीरियड में आयनी अकबरी तुजक की जहांगीरी, ये जो किताब है इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए गए हैं, लेकिन सितार के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है। फकीरुल्ला की राग दर्पण में भी कोई सितार का नाम नहीं बताए हैं, सितार का नाम का उल्लेख नहीं है। ऐसे कि बिफोर 18th सेंचुरी नो पेंटिंग और स्कल्पचर हैज एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सितार। सो ये मानना मुश्किल है कि आमिर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। तो कुछ लोगों ने ये साबित करते हैं कि ईरान से ये सितार आया, लेकिन सितार का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग अगर स्ट्रक्चर को देखें तो सितार का जो घुरज का जो शेप है, सितार के पर्दे के बांधने के लिए जो तरीका है, ये कोई ईरानियन वाद्य में नहीं मिलेगा। और अगर आमिर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक कोई सितार वादक की भी उल्लेख मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 18th सेंचुरी से ही सितार का जो उल्लेख हम लोग को मिलता है। तो ये फकीर खुसरो, वो जो खुसरो खान जिसको फकीर खुसरो बोलते हैं, वो बीनकार घराने के एक अच्छे बीनकार थे, द्रुपदिया भी थे। उन्होंने जो सितार का जो तीन तार वाली एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, वो शायद हो सकता है वहां से ही सितार आया। तो धीरे धीरे तब जो सितार का जो स्ट्रक्चर थे वो तीन तार का एक बाजे थे, बाज थे, धीरे धीरे उसमें
तार की नंबर भरना शुरू किया, वो तीन तार से धीरे धीरे पांच तार, छह तार, सात तार ऐसे आया, और पर्दे को जो संख्या वो 14 से धीरे धीरे 14 से 16, 17 ऐसा पर्दा आया। और 20th सेंचुरी में उस्ताद इमदाद खान ने उसको चिकारी, पहले को जो सितार है उसमें चिकारी नहीं थे, तरब भी नहीं थे, उस सुरबहार के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चिकरी और तरबे हैं उसके प्रभाव से सितार में वो आया, वो शायद इमदाद खान साहब ने पहले बार उनको इंट्रोड्यूस किया। नाउ आई एम कमिंग टू द डिफरेंट घरानाज ऑफ सितार। द वर्ड घराना हैज कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड गृह और हिंदी वर्ड घर, दैट मीन्स ए फैमिली होल्डिंग ए पर्टिकुलर एंड यूनिक स्टाइल एट लीस्ट फॉर 3 जनरेशन बाय देयर फैमिली मेंबर्स और बाय डिसिपल्स। A gharana can be named either according to the place of the residence of the deponent, like Rampur, Gwalior, Agra, Kirana, Indore, Itawa, Maihar, Banaras, etc., or on the name of the famous musician or proponent of the gharana, jaise Alauddin Aladia Khan gharana, Imdad Khani gharana, etc. दो जो सितार के जो बहुत से घराने हैं उसमें जो पहला घराना जिसको हम जयपुर सेनिया घराना बोलते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि जयपुर सेनिया घराना ये मादर घराना है, इससे ही सब घराना सितार का जो भी घराना है सो ये यहाँ से निकले हैं। तो जयपुर सेनिया घराना, माईहार सेनी घराना, इंदौर बिनकर घराना, राजस्थान बिनकर घराना, इमदाद खानी घराना, विष्णुपुर घराना, प्रसद्दु मनोहर घराना बनारस, ढाका की भगवान दास जी का एक घराना, दरभंगा का रामेश्वर पाठक जी का एक घराना, यूसुफ अली खान लखनऊ में थे उनकी भी एक घराने के बारे में हम लोग सुनते हैं कि कल्पी घराना, ऐसे भी बहुत सारे घराने के उल्लेख हम लोग को मिलता है। जयपुर सेनिया घराना इट इज ओल्डेस्ट घराना ऑफ सितार, और जो खुसरो खान के जो वंशज जैसे फिरोज खान और उनके जो सुपुत्र मसीद खान, उन्होंने धीरे जब दिल्ली से वो जयपुर चले गए थे, और 18th सेंचुरी फ्रॉम 18th सेंचुरी ए ब्रांच ऑफ सेनिया स्टार्टेड रिसाइडिंग इन जयपुर। ये जयपुर से ही जयपुर सेनिया घराना हुई थी, क्योंकि ये लोग तानसेन के वंशज थे इसके लिए इनके नाम सेनिया हुए थे, और जयपुर में बस गए इसलिए इनको जयपुर सेनिया घराना ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो जयपुर सेनिया घराना में मसीद खां से एक सिस्टमैटिक सितार का बाज तैयार हुआ जिसको हम बोलते हैं मसीद खानी बाज, और ये मसीद खानी बाज आज भी चल रहे हैं। इसके बाद रजा खानी बाज आए और बहुत सारे टेक्निक के जन्म हुआ था। और ये जो मसीद खान साहब, उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं उसमें बहादुर सेन, सुख सेन, रहीम सेन, अमृत सेन, और अमृत सेन वॉज ए मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द टैलेंट ऑफ जयपुर घराना। और ये जो अमृत सेन के बहुत सारे शिष्य प्रशिष्य थे जैसे निहाल सेन, आमिर खान, सुदर्शनाचार्य शास्त्री, बरकतुल्ला खान वॉज ए डिसाइपल ऑफ आमिर खान। वो उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब का कहना था कि बरकतुल्ला खान उस्ताद अमृत सेन की शिष्य थे। एनीवे ये जो बरकतुल्ला खान जयपुर सेनिया के उस्ताद थे, मसीद खानी बाज का पहला जो रिकॉर्ड मिलता है वो है बरकतुल्ला खान साहब का। वो तब जो
रिकॉर्ड मिलता है हम लोग को, वो राग भूप कल्याण में थे और उसका लय भी थोड़ा सा ज्यादा था, आजकल जो मसीद खानी गत का लय है उससे ज्यादा था। वो ऐसा था, धीरे दायरा दायरा धीरे दायरा धीरे दायरा दायरा। ये गत बरकतुल्ला खां का मिलता है। और उसके बाद बरकतुल्ला खां साहब का जो शिष्य थे उसमें बहुत सारे शिष्य थे, जैसे उस्ताद आशिक अली खान जो बनारस के थे, और आशिक अली खान साहब का सुपुत्र उस्ताद मुश्ताक अली खान, और उनके जो डिसाइपल पंडित देवू चौधरी इज करेंटली द सीनियर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जयपुर से इंडिया कराना। और मुश्ताक अली खान साहब का और भी शिष्य थे, जैसे निताई बसु, निर्मल गोटा कुर्ता और बहुत सारे थे। तो पंडित देवू चौधरी जी की जो शिष्य प्रशिष्य हैं उसके उनमें उनको उनके सुपुत्र पंडित प्रतीक चौधरी, विदुषी अनुपम महाजन जी और इंद्राणी चक्रवर्ती, विदुषी इंद्राणी चक्रवर्ती जी और बहुत सारे शिष्य प्रशिष्य है। और उनके जो ग्रैंडसन है आजकल अधिराज, वो भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और ये सब जो उनका जो बाज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद हम लोग आएंगे इंदौर बीनकर घराना। इंदौर बीनकर घराना जो शुरू हुए थे वो बंदे अली खान साहब से शुरू हुए थे, और बंदे अली खान किराना का थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर उनका जो प्रोफेशनल लाइफ वो इंदौर में बिताए थे, इसलिए वो इंदौर बीनकर घराने के प्रथम इंसान है। और यहाँ से बंदे अली खान साहब वो जैसे बीनकर भी थे और गायक भी थे। वो हसदु खान साहब के घर से, ग्वालियर घर से उनका गायन का शिक्षा मिला। और निर्मल शाह जो तानसेन के वंशज थे उनसे उनका बीनकर की तालीम मिला। और इनके जो शिष्य प्रशिष्य थे उनमें मुराद खान, लतीफ खान, मजीद खान, वाहिद खान, रजब अली खान, और इनमें से बहुत सारे लोग जो सितार भी बजाते थे, जैसे बाबू खान, मोहम्मद खान, ये लोग इनके जो शिष्य प्रशिष्य में अब्दुल हलीम जाफर खान साहब भी आए हैं। और इन्होंने एक नया टेक्निक और नया बाज का इन्वेंशन किया, जिसको हम लोग जाफर खानी बाज बोलते हैं। उसके बाद एक घराना है राजस्थान बीनकर घराना, इसमें पंडित बिमल मुखर्जी जी जो उस्ताद आबिद हुसैन खान साहब का शिष्य थे वो भी एक बीनकर फैमिली से आए हैं। उसके बारे में मैं आ रहा हूँ माइहार सैनी घराना। माइहार सैनी घराना में बाबा अलाउद्दीन खान साहब, आचार्य बाबा अलाउद्दीन खान साहब से ये घराना शुरू हुई। और बाबा अलाउद्दीन खान जिन्होंने रामपुर में उस्ताद वजीर खान साहब का शिष्य थे, और रामपुर दरबार में बहुत सारे गुणी जन थे, जैसे कल्लू हाफिज, उस्ताद नसीर अहमद खान और बहुत सारे कलाकार थे, उन सब से सीखे हैं। और बहुत सारे कलकत्ते से भी उन्होंने हाबू दत्तो ऐसे बहुत लोगों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और अपने एक स्टाइल उन्होंने तैयार किए थे जिसको हम लोग माइहार सैनी घराना घराने के बाज बोलते हैं। और धीरे धीरे वो रामपुर से बाद में माइहार एस्टेट में चले गए थे, वो वहाँ के कोर्ट म्यूजिशियन थे, इसलिए उनको माइहार सैनी घराने के प्रतिष्ठाता हम लोग बोलते हैं। और उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं उनमें पंडित रविशंकर जी, निखिल बनर्जी,
अजय सिंह राय, शरण रानी, शिशिर काना धार चौधरी, जया विश्वास, इंद्रनील भट्टाचार्य, कृष्णा चक्रवर्ती और मेनी अदर्स आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ दिस घराना। और इनके घराने से सरौद की भी एक घराना तैयार हुआ, जैसे अली अकबर खान साहब, धनेश खान, आशीष खान, ये लोग आए। तो अब मैं आता हूँ बिष्णुपुर घराना। बिष्णुपुर घराने में एक सेनिया बिनकार और रवाबिया, जिनको हम बहादुर खान के नाम से जानते हैं, वो आए थे विष्णुपुर दरबार के रघुनाथ सिंहदेव की कोर्ट में। वो कोर्ट म्यूजिशियन हो गए थे और उनसे जो जो सीखे हैं, जैसे रामशंकर भट्टाचार्य, गदाधर चक्रवर्ती, जोधू भट्टो, ऐसे गुणीजन उनको शिष्य प्रशिष्य में थे। और उनसे आए थे गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी का शिक्षा हुई थी रामप्रसन्न बंदोपाध्याय और सज्जाद मोहम्मद, ये भी एक सैनिया बीनकार थे। तो गोकुलनाथ जी की शिष्य में मणिलाल नाग और आज उनकी सुपुत्री मीता नाग को आप सब जानते हैं, ये सब विष्णुपुर घराने के हैं। अब मैं आता हूँ इमदाद खानी घराना। ये जो इमदाद खानी घराना, ये समझ में आ रहा है जो उस्ताद इमदाद खान से ये घराने के प्रतिष्ठा हुई है। और इनका जो इनका जो फादर थे साहबदाद खान, उन्होंने उनका वो हिंदू थे, उनका नाम साहेब सिंह थे। और इन लोगों ने वो इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में रहते थे, इसलिए उनको इटावा घराना भी हम लोग बोलते हैं। और इमदाद खान लर्नड ख्याल एंड सितार फ्रॉम हिज फादर साहबदाद खान। नॉट ओनली दैट, ही लिसन टू मेनी अदर एक्सपोनेंट्स लाइक रजब अली, बंदे अली खान, आमिर खान सितारिया, सज्जाद मोहम्मद, एंड ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट देयर स्पेशल एलिमेंट। एंड सुरबहार एंड वॉज सक्सेसफुली फॉलोड बाई हिज डिसेंडेंट। और इनके जो डिसेंडेंट थे, जैसे इमदाद खान साहब का उस्ताद इनायत खान और वहीद खान, इनायत खान साहब से उस्ताद विलायत खान एंड इमराद खान, और उसको जो नेक्स्ट जनरेशन में वी फाउंड सुजात खान, हिदायत खान, निषाद खान, इरशाद खान, शाहिद परवेज एंड मेनी मोर। And Vilayat Khan's nephew Ustad Rais Khan, also an exponent of this type. Among the disciples, we get Pandit Dhruvatara Joshi, Vimalakanta Rai Chaudhuri, Virendra Kishore Rai Chaudhuri, Jiten Mohan Sengupta, Bimalendra Mukherjee, Arvind Parekh, Kashinath Mukherjee, Benjamin Gomes, Kalyani Rai, Budhaditya Mukherjee, and many, many more musicians. So these are the main gharana. इसके अलावा मैंने पहले उल्लेख किया कि प्रसिद्ध मनोहर घराना बनारस, ओ भगवान चंद्रदास घराना ढाका, रामेश्वर पाठक घराना अब दरभंगा, काल्पी घराना अब लखनऊ, जितेंद्रनाथ भट्टाचार्य घराना एटसेट्रा, ये भी है। नाउ आई एम कमिंग टू द कॉम्पोजिशंस। सो ये जो सितार का जो कॉम्पोजिशंस है, वो पहले तो थे मसीद खानी बाज, मसीद खानी गत जो बोलते हैं। और मसीद खानी गत को हम लोग जो देखते हैं, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर है जैसे उसका जो बोल है वो दिरदा दिरदा रा डा डा रा, और फिर से दिरदा दिरदा रा डा डा रा, ये बोल तो रहेगा ही। और जो पहले जमाने में जो मसीद खानी गत हमको मिले है, जो बरकतुल्ला खान साहब का, उसने उसका चर्चा तो मैंने की। बाद में जो सितार का जो मसीद खानी गत पहला जो मसीद खानी पहले जमाने के जो मसीद खानी गत, वो मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। Thank you.
राग यमन में कुछ बंदिश आपको सुनाना चाहता हूं। इसका एक जोड़ा है, ये मेरी मेरा गुरुजी का कंपोजिशन है। मस्जिद खानीगत, और मस्जिद खानीगत के बाद जो कंपोजिशन आया है वो रजा खानीगत। रजा खानीगत मस्जिद खान साहब को जो शिष्य है गुलाम रजा खान लखनऊ के थे, उन्होंने द्रुत लय में जो गत तैयार किए थे, जो बंदिशें तैयार किए थे, उसको हम लोग रजा खानीगत। और रजा खानी गत के जो पुराना जमाने में जो जब रजा खानी गत बजते थे उसमें भी एक बोल निर्दिष्ट थे। जैसे
धीरे धीरे दार दार धीरे दार धीरे दारा दा दारा दा। उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब का कहना था कि मसीद खानी गत से ही रजा खानी गत आया, क्योंकि मसीद खानी गत का जो मुखड़ा है वो है धीरे दा धीरे दारा डा, और रजा खानी गत का जो मुखड़ा है वो धीरे धीरे दार दार धीरे दा धीरे दारा दा, तो लास्ट पांच मात्रा वो एक ही है। तो मैं एक रजा खानी गत का पुराना जो बंदिश है वो मैं सुनाता हूं। जो शुरुआत है वो सातवीं मात्रा से शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो सम से भी शुरू किया करते थे, बाद में वो खाली से भी हुआ था, बारहवीं मात्रा से भी वो उठे थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्म वो रजा खानी गत के आ गए। तो मैं एक गत जो सम से है वो बजाता से है। म्यूजिक का जो बंदिश उसका भी प्रभाव आने लगा। मेरा गुरुजी पंडित ध्रुवतारा जोशी जी की वो बहुत अच्छे कंपोजर भी थे, वो ख्याल के लिए ठुमरी के लिए भी उनका बहुत सुंदर सुंदर कंपोजिशन है और सितार के लिए भी उनका बहुत सुंदर कंपोजिशन है। मैं एक कंपोजिशन आपको सुनाता हूँ।
अब मैं विभाग में राग विभाग में उस्ताद इमदाद खान साहब का एक कंपोजिशन सुनाता हूं। सुनिए बिहार में और एक कंपोजिशन। कम है, मैं थोड़ा थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं। एक कंपोजिशन सुनिए नंद में, राग नंद में। कंपोजिशन है राग श्याम कल्याण में। सुंदर कंपोजिशन राग पुरिया कल्याण में पंडित डीटी जोशी जी की कंपोजिशन सुनिए। Thank you.
लद्दाख देश में जोशी जी की एक वोकल कॉम्पोजिशन जो ऐसे थे वो बहुत पॉपुलर कॉम्पोजिशन है। लंगर तोहे लाज नाए रे, लंगर तोहे लाज नाए रे, कैसे भरूं अब जल की गगर, लंगर तोहे लाज। तो इसके आधार पर एक बहुत सुंदर सितार के लिए कंपोजिशन बना है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे चीजों से उनका जो रविंद्र संगीत बने थे तो वो ध्रुपद से भी बहुत चीज लिए थे, ख्याल में से भी लिए थे, चार्च म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक से भी लिए थे, बहुत सारे फोक म्यूजिक से भी लिए थे, और मजे की बात है कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से भी उन्होंने बहुत चीजें लिए थे जिसमें रविंद्र संगीत बना। तो एक ऐसा गाना है, बहुत सारे गाना है जो उनको उसको गत भांगा गान बोलते हैं, जैसे यशो श्यामल सुंदरो, ये देश के ऊपर है, यशो श्यामल सुंदरो, यशो श्यामल सुंदरो, সুন্দর। তো ইয়ে মে আপকো দিখানা চাহতা হুঁ।
नमस्कार। ये इससे ही मैं मेरा जो लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन की जो कुछ भी मुझे पता था मैं बता दिया, और बहुत कुछ बताना था लेकिन टाइम बहुत कम है। बहुत सुंदर सुंदर कंपोजिशन मैं सुनाना चाहता था लेकिन और अभी तो टाइम बहुत कम है, नहीं सुना पाया। और अगर मुझे कुछ भूल त्रुटि हुई है, हो सकता है बहुत कुछ भूल त्रुटि हो सकता है, तो आप सब गुणीजनों के पास मेरा निवेदन है कि आप मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आज का ये व्याख्यान इतना ही इंफॉर्मेटिव था, इतना सुंदर व्याख्यान था, और आपने कितना डिटेल में सितार का जो ओरिजिन है, उसके विभिन्न घराने और अलग अलग उस्तादों के बारे में, पंडितों के बारे में, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से वो शाखाएं निकली और अलग अलग घराने विकसित हुए, वो पूरी एक विस्तृत रूप से आपने जो हिस्ट्री हमारे सामने सितार की पेश की है आज, निश्चित ही बहुत कुछ जानने को मिला होगा सारे ही पार्टिसिपेंट्स को सितार के बारे में। और उसके बाद जो आपने इतनी सुंदर जो बंदिशें प्रस्तुत की हैं, जो बंदिशों का गुलदस्ता आप हमारे सामने आज आपने रखा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि ये व्याख्यान खत्म हो, बंद आप बजाना अपना रोकें। मन कर रहा था कि ये सुंदर जो बंदिशों का एक के बाद एक आपने ये जो हमारे सामने प्रस्तुतियां दी हैं वे चलती रहें। बंदिशों का इतना महत्व है सीखने में, संगीत को समझने में, रागदारी में। हर राग का जो अलग अलग फैसेट्स हैं, जो अलग अलग नुआंसेस हैं, वो राग की बंदिश के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, और एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसके एसेंस की, जितनी हमें बंदिशें एकत्रित होंगी और हम जितना बंदिशों का अध्ययन करेंगे, बंदिशों का वादन करेंगे, उससे हमें उस राग की जो समझ है वो हमारी और परिष्कृत होती जाती है। तो बंदिशों का इतना महत्व है, बंदिशों के आधार पर अगर बंदिश अच्छे से आ जाए और अलग अलग बंदिशों का संग्रह हमारे पास हो, तो उससे हमारा आलाप और जो बाकी का जो राग का इम्प्रोवाइजेशन है वो भी बहुत सहज हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो खास तौर से सीखने के समय में इस पर बहुत जोर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हम बंदिशों को सुनें और सीखें और उनका अभ्यास करें। तो आपने आज हमारे सामने इतनी सुंदर बंदिशें रखी हैं, बंदिशें अलग अलग मात्राओं से उठने वाली और अलग अलग तालों में भी जो निबद्ध बंदिशें होती हैं, उससे ताल की और भी दृष्टि जाती है एक संगीत के विद्यार्थी की। ताल की जो समझ है, उसके अलग अलग खंडों की जो समझ है, वो भी बहुत अच्छे से हमारी डेवलप होती है अलग अलग बंदिशों को सीखने से और उनका अभ्यास करने से। और आपके घराने की जो इतनी सुंदर बंदिशें आज आपने हमें सुनाई हैं, जो कुछ बंदिशें जो गायन पर भी आधारित थी, जो गायन की बंदिशों पर आधारित थी, या रविंद्र संगीत पर आधारित जो बंदिश आपने सुनाई, इतना आपने इतनी सारी वैरायटी आपने हमारे सामने रखी, इतने कम समय में इतना कुछ आज आपने हमें दिया है, निश्चित ही बहुत लाभ आज सभी को मिला होगा आपके इस व्याख्यान से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कुछ प्रश्न भी हमारे सामने आए हैं जो मैं आपके सामने अब रखती हूँ। एक प्रश्न है अर्चना निगम की ओर से, वो भी इसमें व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने ये पूछा है कि हम कोई भी राग बजाते हैं तो पहले आलाप से शुरू करते हैं, उसी से राग का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, तो हम किस तरह हमें रियाज करना चाहिए ताकि हम लोग आलाप में स्वर की सुंदरता और स्थिरता बनाए रखते हुए प्रस्तुति कर सके। ये जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम लोग जब बजाते हैं तो पहले आलाप से ही बजाते हैं। तो जब किसी के साथ किसी का परिचय होता है तो पहले तो आलाप ही होता है। तो ऐसे जो राग हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको जो कैरेक्टर है वो आलाप में वो सब बोला जाता है, कैसे वो राग का जो स्वर कैसे चलेंगे, कैसे उसका चलन कैसा है, वो उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो आलाप से ही मालूम होता है।
बाद में धीरे धीरे हम लोग बंदिश बजाते हैं, बंदिशों में भी वो राग का जो छवि वो आ जाता है। लेकिन जो जब बिगिनर के लिए आलाप पहले सीखना मुश्किल है, क्योंकि आलाप बजाने के लिए जो मीड का कंट्रोल होना है, जो अलग अलग टेक्निक का कंट्रोल है, वो बिगिनर के लिए तो नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को कुछ चीज़ें रियाज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हम लोगों को अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता है। धीरे धीरे वो आलाप में हम लोग बाद में, वो पहले तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, गद बजाएंगे, धीरे धीरे आलाप सिखाना जाता है। सब घराने में सब उस्ताद लोगों ने आलाप पहले सिखाना मुश्किल है, क्योंकि जब जो बिगिनर है वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग पहले तो अलग अलग प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद ही आलाप सिखाते हैं। आपका आवाज नहीं आ रही मैडम जी, क्षमा चाहती हूँ, मेरा माइक ऑन नहीं था। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। एक और प्रश्न हमारे बीच, अरुणिमा मिश्रा है हमारे ही संकाय की छात्रा, उनका एक प्रश्न आया है कि जब कोई संगीत का विद्यार्थी किसी घराने में जब अभिसिंचित होता है, तब घराने के प्रति क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और मैं एग्जैक्टली आई विल रीड आउट द क्वेश्चन दैट शी हैज सेंट। व्हाट इज देयर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट टू अ घराना व्हाइल लर्निंग एज अ स्टूडेंट? किसी घराने से जब जुड़ता है कोई विद्यार्थी, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से अपनी जो सीखना है, जो तालीम है, उसका मैक्सिमम आउटपुट एक स्टूडेंट को मिल सके, लाभ ये उठा सके, ये शायद उनका प्रश्न है। देखिए, सब घराने के जो टीचर है, जो उस्ताद है, वो उनको फॉलो करना है। वो जो बोलेंगे, वो जैसे डा बजाने के लिए बोलेंगे, रा बजाने के लिए बोलेंगे, मेनली जो बिगिनर को जो है वो सब घराने के जो शिक्षा है वो लगभग एक ही है। ऐसे ऐसे हाथ रखना है, ऐसे डा बजाना है, ऐसे रा बजाना है, ऐसे बा हाथ रखना है। धीरे धीरे वो अलग अलग घराने के अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। वो तो जब जिस घराने के उस्ताद के पास आप सीखोगे तो वो उनको फॉलो करने में वो अपने आप आ जाता है, उसको कुछ अलग से करना नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो गुरु का जैसा जो निर्देश हो, गुरु का निर्देश आपको पालन करना है, वो पालन करना है। गुरु और गुरु ना केवल हमें संगीत की शिक्षा देते हैं, गुरु हमें जीवन में एक मार्गदर्शन, पूरा हमें जीवन में किस तरह हम अपनी लाइफ में एक अप्रोच, एक एटीट्यूड, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड एंड अप्रोच टू लाइफ, आई थिंक वो भी हमें अपने गुरु से सीखने को मिलती है। हर प्रकार का एक एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे गुरु सेट करते हैं और हम धीरे धीरे उनके सानिध्य में रहते हुए शायद वैसे ही बनते जाते हैं जैसे हमारे गुरु होते हैं। तो वो समर्पण रखना पड़ता है और बिल्कुल जैसे जैसे गुरु डायरेक्शन देते हैं वैसे करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपका उत्तर सर। एक और लास्ट प्रश्न मैं ले लेती हूँ। ये प्रगति द्विवेदी दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शोध छात्रा है, आगरा से है। इनका प्रश्न है कि रविंद्र संगीत में गायन के साथ सितार का कितना महत्व है? शायद आपकी जो बंदिश इन्होंने सुनी उससे प्रेरित होके इन्होंने ये प्रश्न आपसे पूछा है। क्या रविंद्र संगीत में सितार का भी वादन होता है और कितना उसका महत्व है? नहीं, रविंद्र संगीत के ज्यादातर सितार नहीं बाजते हैं। रविंद्र संगीत में इसराज नामक एक इंस्ट्रूमेंट बाजता है, वो इसराज एकॉम्पैनी करता है। लेकिन सितार का मैं जो बजाया वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत माध्यम से वो अपना गाने के लिए चीजें लिए हैं, जैसे सितार का जो बंदिशें हैं उनसे भी वो उन्होंने उनका जो गाने के जो सुर है उसमें लगाया है। तो सितार उनके साथ एकॉम्पनी नहीं करते हैं,
सितार में बच सकता है, सितार में जरूर बच सकता है। सितार में बहुत कुछ चीजें हैं जो सितार के लिए अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उनके गाने के साथ इसराज ही ज्यादातर बचते हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, इतने सुंदर तरीके से आपने ज्ञान वर्धन किया है इन प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से भी। हम बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत आभारी हैं आपके सर। अब ये सत्र अपने समापन की ओर चल पड़ा है, तो मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग के वरिष्ठ सदस्य, हमारे बनारस के उत्कृष्ट तबला के कलाकार विद्वान प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और उनसे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत आनंद आया, जैसा कि दादा का स्वभाव है, शांत प्रकृति के और खूब आनंद में रहने वाले। दादा से जब भी मिलते हैं शांति निकेतन में या अन्य विश्वविद्यालयों में, जब दादा से मुलाकात होती है तो उनका जैसा स्वभाव है वैसे ही उनका बजाना। तो आज दादा बहुत आनंद आया, बंदिशों का संकलन सुना, सितार के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली, घरानों के ऊपर आपने जो प्रकाश डाला और कलाकारों की खूबियों के ऊपर आपने जो प्रकाश डाला, और ख़ास तौर पे इतनी रजाखानी बंदिशों के जो इतने स्वरूप थोड़े थोड़े समय में जल्दी जल्दी, हम तो सोच रहे थे कि और ये चलता जाए क्योंकि इतने दिनों से जो सितार के ऊपर जो चल रहा है, मैं भी टाइम निकाल के पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि सितार एक ऐसा विषय है जो एक ऐसा आनंद का विषय है कि तबला वादक को तो ये सौंदर्य देखने की जरूरत होती ही हमेशा, क्योंकि वो एस्थेटिकल पॉइंट्स जब संगत करते हैं तो महसूस करते हैं। तो इतने विद्वानों को सुना, प्रतीक जी को सुना, हमारे शर्मा जी को सुना, अनुपम महाजन मैडम को सुना, इतने इतने गुणी लोगों को सुना कि इतना आनंद आ रहा है कि इतने अलग अलग ढंग से आप लोगों ने सितार के एक एक बिंदु पे, मुझे लग रहा है ये कुंभ है, ये एक तरह का सितार का, और हमारे फेसबुक से भी हजारों हजारों लोग इसको रोज देख रहे हैं, और सुबह सितार का, दोपहर में संगीत शास्त्र का चलता था 7 दिन तक, तो उसमें भी एक से एक विद्वानों का अपना अपना अलग अलग विषयों पे इतना गहन अध्ययन, तो हम लोगों को इतना आनंद आ रहा है कि उसको हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते ये। और मजे की बात यह है कि जो विद्वान एक दूसरे को सुनते हैं और वो सब लोग एक सामने बैठ के फिर जिन सामने बैठ के सुनते हैं, खास तौर पे जैसे इंद्राणी जी का हो गया, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि मैडम टाइम निकाल के हर सेशन में आती हैं, तो प्रोफेसर पुष्पा बसु जी हैं, प्रोफेसर अनुपम महाजन मैडम हैं, प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर जी हैं, प्रोफेसर संजय बनर्जी हैं, प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी, पंडित हरिवर्धन जी शर्मा जी, ऐसे ऐसे गुणी लोग रोज आ रहे हैं और हम सब लोग एक दूसरे को इस ढंग से सुन पा रहे हैं, तो ये एक आनंद है। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय में इस ज्ञान की ये जो प्रवाह बह रहा है उसमें सब आप लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है सितार के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। मैं देखता हूँ कि अभी ये जो लाइव चल रहा है, लाइव चलने के बाद हम इसी जो रिकॉर्डिंग है इसको हम 2-3 दिन बाद देखेंगे तो देखेंगे संख्या खूब बढ़ जाती है, हजारों में चली जाती है। तो इतने सुंदर आयोजन के लिए हमारे जो संकाय प्रमुख ने हम लोगों को जो मार्गदर्शन किया है, हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी ने जो मेहनत की है, प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ जी जैसे गुणी लोगों ने जो हमको परामर्श दिया है, और सुप्रिया शाह जी ने इतने मतलब बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इसको संचालित किया है, तो मैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अब ऐसी आशा करता हूँ कि सभी गुणी लोग इसी तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे और आपके ज्ञान का लाभ, क्योंकि ये अनवरत चलने वाली, जैसे सीखते सीखते भी गुणी लोग कहते हैं 90 साल की उम्र में भी कि अभी 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 कुछ समझ में आने लगा है, तो मुझे लगता है ये अपडेट होने वाली ये विद्या है, कभी भी ये पुरानी नहीं होती, हर बार नए रूप में आती है सामने।
तो गुणियों के अंदर भी इसके विचार नए नए आते रहते हैं। अभी हमने जिन गुणी लोगों को सुना है इतने दिन से, यदि हम साल डेढ़ साल बाद फिर से भी सुनेंगे तो और एक नए अंदाज में, एक नए विचारों के साथ हम उसमें होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान यज्ञ चलता रहे और इसी तरह से आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का, और भी जो लोग स्वर्णा जी जुड़ी हुई थी और तारकनाथ जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी विद्यार्थी लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान और पूरे विश्व के जो सितार के चाहने वाले लोग हैं सब जुड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सुप्रिया जी का, प्रोफेसर राजेश शाह जी का, प्रोफेसर संगीता सिंह जी का, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ये सत्र यही समाप्त होता है। हम कल पुनः इस 11:30 से हमारा अगला सत्र है जिसमें प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय जी हमारे साथ उपस्थित होंगे। उनका भी बहुत तहे दिल से मैं उनके व्याख्यान का मैं इंतजार कर रही हूँ और बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा निश्चित ही। तो मैं आशा करती हूँ हम सब पुनः कल 11:20 तक यहाँ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की पुनः आप सबको शुभकामनाएं। गुरु का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अब हमारा अगला आज का सत्र मेरे ख्याल से तबले का है जो 4:00 से है। प्रवीण जी की बहुत सुंदर व्याख्यान माला चल रही है उनके निर्देशन में, उसमें भी हम सब जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.